ट्रैकिंग करते टाइम सबसे अच्छी फीलिंग कब आती है? जब आप ट्रैक के समिट पे पहुंचते हो एंड जब आप उस समिट से अपने फ्लैग को होस्ट करते हो. बिलीव मी, इट्स अ बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. अब मैं इस ट्रैक पे आप लोगों को वर्चुअली लेके चलता हूँ, जिसके लिए हम सीधे जाते हैं अब ऑन डे वन. हाई एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष. मैं इस वक्त हूँ हरिद्वार में और मैं अपने फर्स्ट विंटर ट्रैक क्वारी पास जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे हरिद्वार से जोशीमठ जाना है, जो कि लगभग 275 किलोमीटर से और लगभग हमें 10 घंटे लगने वाले. ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, जिसकी शुरुआत होती है देवप्रयाग से, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट. देवप्रयाग से आगे बढ़ने के बाद हम क्रॉस करते हैं श्रीनगर, जहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा फेमस धारी देवी का टेम्पल. अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर रुकें यहाँ पे. इसके बाद आगे बढ़ते ही तीन और प्रयाग पड़ेंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग. उसके बाद हमें बद्रीनाथ माना हाईवे पे ही चलते रहना है, जिससे हम जोशीमठ पहुँचेंगे. रोड्स आर रियली गुड इन उत्तराखंड नाउ, बट स्टिल हमें 10 घंटे लग जाते हैं लगभग जोशीमठ पहुँचने में. सो मैं पहुंच चुका हूं अपने गेस्ट हाउस इन जोशीमठ. रात ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रैक हमारा कल सुबह से शुरू होगा. ट्रैक के लिए हमें जाना है ढाक विलेज, जो कि यहां से 10 किलोमीटर है, और वहां से एक्चुअल ट्रैक शुरू होगा. सो कल सुबह से मैं अपनी ट्रैक की वीडियो शुरू करूंगा. अभी फ़िलहाल मैं मार्केट तक जा रहा हूं, मुझे कुछ कैप्स और कुछ सामान खरीदना है ट्रैक के लिए. जोशीमठ में अगर आप कोई चीज़ नहीं लाए हैं, कोई चीज़ भूल गए हैं, तो आपको मिल जाएगी. तो मेक श्योर अगर चेक कर लें ट्रैक पर जाने से पहले कोई चीज़ें ज़रूरत हो, तो आप मार्केट 8 बजे तक खुलता है, वहाँ से जाके ले सकते हैं. इसके बाद हम मिलते हैं कल सुबह. सुबह हो चुकी है, मैं रेडी हो गया हूँ, लगभग 8:15 हुआ है एंड बहुत ही सुंदर व्यू के साथ हमारी सुबह हुई है. अब किसी भी आप ट्रैक पे आ रहे हो तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है. टाइम का नहीं ध्यान रखा, बेस कैंप के लिए लेट हो जाओगे, सही से कर नहीं पाओगे, वेदर का पता नहीं होता कब ख़राब हो जाए. तो इसलिए टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल रहना. ऑल्सो वेन एवर यू आर कमिंग ऑन ट्रैक, तो एक फॉर्म साइन करना पड़ता है. आई शो यू गाइज दिस फॉर्म. इसमें आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि एनीथिंग हैपेंस टू यू. वैसे तो कुछ होता नहीं है, दीज आर इजी ट्रिक्स, बट एनीथिंग हैपेंस टू यू, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल. लेट मी शो यू दैट गाइज. निकल रहे हैं ढाक विलेज के लिए एंड मौसम अभी तो खुला हुआ है. आई होप कि खुला ही रहे बाद में भी मौसम, क्योंकि बारिश होगी तो ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर बर्फ गिरेगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड लेट्स गो फॉर ढाक विलेज. ये लीजिए भैया. लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय फेलो ट्रैवलर्स. ये दोनों के दोनों बैंगलोर से आए हैं और हर बार मुझे मोस्टली बैंगलोर के ही लोग मिलते हैं. सो ही इज आनंद. अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बर्फ शुरू हो गई है. लेट मी शो यू गाइस. ये तुगासी विलेज. कौन सा विलेज है? तुगासी. तुगासी तो गाची. सो आई जस्ट स्टार्टेड ट्रैक और ट्रैक शुरू किया है ये तुगासी विलेज से. सिंस ढाक विलेज से 4 किलोमीटर ज़्यादा है ट्रैक, सो यहाँ से अब हमें सिर्फ 4 किलोमीटर चलना है. एंड दिस इज नाइस हिमालयन विलेज. सी जरा सा चलते ही देयर इज दिस मैगी पॉइंट. समवन वांट्स टू हैव मैगी और समवन वांट्स टू ईट समथिंग. ये फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है और वेदर ऑलरेडी खराब हो चुका है, सो स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं. लेट मी शो यू गाइस. तो सबसे आगे चलते हुए हमारे ट्रैक लीडर, फिर हमारे दो फेलो ट्रैकर्स, और ये तो मैं हुई.
तो दिस इज फर्स्ट डे ऑफ ट्रैक एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी इजी, और मुझे थोड़ा सा विंटर से लगा था प्रॉब्लम होगा, बट देन आई थिंक इट्स ईजी बिकॉज ऑफ डे वन, और मेरा बॉडी भी बहुत ज़्यादा वार्म हो रही है. सबने ग्लव्स एंड कैप डाले हुए हैं बट मुझे फील नहीं हो रहा ऐसा एज सच कुछ ठंडा. मौसम में थोड़ा सा स्नोफ्लेक्स आ रहा है, हाउएवर अभी तक तो बर्फ़ एज सच नहीं है, मतलब जो गिर नहीं रहा है नीचे, तो पूरा चारों तरफ यू कैन सी लाइक चारों तरफ इट्स स्नो. एंड इट्स एन ईजी ट्रैक, आई वुड से कि ईजी ट्रैक है फर्स्ट डे के लिए, तो बाकी सेकेंड डे मैं बता सकता हूँ कैसा. बट हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं व्यूज़ बहुत अच्छे हो रहे हैं. आप लेट मी शो यू इन वीडियो कितना अच्छा ये पाइन ट्रीज पे बर्फ दिख रही है पड़ी हुई. एंड अबाउट टू रीच हमारा फर्स्ट बेस कैंप विच इज गुलिंग. Now the time for lunch, and ये हमारा dining tent. Let me show you guys. So we have rice and food. Post lunch, the best way to spend time is to do some physical activities. Morning हो गई है next day की. आपको दिखाता हूँ कितनी सर्दी थी. पानी की हालत देखो, ये पूरा जम गया है जो मैंने पानी रखा था, इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है. और वेदर इज़ बिट क्लीन टुडे, माउंटेन रेंज हम बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं बाहर निकलते हुए कैंप के. ये देखिए कैंप में कैसे, ये देखो मेरे पीछे कैंप में कैसे पूरे में बर्फ़ जम गई रात में, इतनी ज़्यादा सर्दी थी. सी आई एम ऑल सेट फॉर डे टू. अब हम निकलेंगे गुलिंग से कुलारी के लिए जो कि हमारा दूसरा कैंप साइट है. इट इज़ अगेन अराउंड 4 to 5 kilometers. काफ़ी स्टीप है, थोड़ा सा मैं चलाऊँ मेरी सांस फूलने लगी है. काफ़ी स्टीप है गुलिंग के बाद, तो ब्रेक लेके भी जाएंगे तो भी 3 से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे. गुलिंग से आगे चलते ही देयर आर लॉट ऑफ स्नो एंड स्ट्रीम्स भी हैं जमे हुए. ये देखो, हाँ हाँ वो वही कर लो. मजा ऑसम ऑसम या यू आर एंजॉयिंग इट या ऑफ कोर्स आउट ऑफ द रियलिटी लिटिल टायर्ड यू डोंट वांट टू टेल द रियलिटी डैम टायर्ड. किसी भी ट्रैक पर जाने के लिए फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी होती है. गुलिंग से कुलारा का रास्ता काफ़ी स्टीप है, इसके लिए आपका फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है. इट्स अ ह्यूज स्टीप क्लाइंब, लेट मी शो यू फ्रॉम डाउन टू अप. देयर आर पीपल, सी पीपल आर देयर इन देयर, क्या कमी, ऑल द वे फ्रॉम देयर. दिनेश, व्हाट्स हैपनिंग? नहीं नहीं चलो चलो, जैसे फिसलने की जगह पे रुकना मत, चलते रहो, डंडी को फसाओ ना. नहीं नहीं इधर पैर रखो ना, इधर ऊपर रखो पैर, जहाँ हाथ रखा है आपका, आपको नीचे जाना पड़ेगा. ये लो तभी तो बोल रहा मैं, एक बार जैसे जहाँ पे गिरने के चांस ज्यादा है वहाँ पे रुकना ही नहीं कभी भी, वहाँ पे आप रुकते नहीं तो सीधा आ जाओ. चलो 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 चलो, नहीं गिरोगे. ये साइड से साइड से साइड से साइड से, हाँ जाती है भैया. हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो
Oh, this is real trekking, man. Side से चलो. Side से. आराम से भैया. आराम से निकलो. ओहो. चलो चलो. So, I'm about to reach Kulara. This is so beautiful campsite. And let me show you guys. This is plain meadows kind of thing or ground kind of thing. And there are all tents are set up over here. And look at the view of mountain peaks from here. It's really amazing. I don't know. I have no words to say like how it is looking. Like it is amazing, amazing. So beautiful, so mesmerizing. Let me show you guys the 360 view of this campsite along with the peaks now. इस ट्रैक से गढ़वाल हिमालयस की बहुत सारी पीक्स दिखाई देती हैं, जिसमें से कुछ हैं, लेफ्ट टू राइट में नाम लेता हूँ, नर पर्वत, कामेट, मंदिर, नीलगिरी, घोड़ा, हाथी, एंड एंड में जो सबसे क्लोजेस्ट यहाँ से दिखाई दे रही है, द्रोणागिरी. ये रहे हमारे कैंप आज के लिए रुकने के लिए. सो ऑन दिस कैंप साइड 2-2.5 घंटे में हम आ गए थे, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था करने को, बट द व्यूज़ आर रियली अमेजिंग. जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया सारी पीक्स एंड कैंप्स. शाम हो रही है, ठंड पड़ रही है, वैसे तो अभी 3 बजे है, बट थोड़ा सा क्लाउडी आ गया तो सूरज चला गया है. कल है अपना मेन डे फॉर क्वारी पास सबमिट. Day 3, 7:15 हुआ है अभी. रात में स्नोफॉल भी हुआ, सो इट्स -15 degrees राइट नाउ. और मेरा तो कैंप से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि 7:30, 7:45 पे सनराइज़ होगा अराउंड, तो तभी मैं बाहर निकलूँगा. इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि मेरे स्लीपिंग बैग पे भी बर्फ़ जम रही है. ये देखो, सो आज अभी बाहर निकलेंगे, पहले रेडी होंगे, उसके बाद अपने समिट के लिए निकलेंगे क्वारी पास के लिए. अब मैं वो 2 इक्विपमेंट्स यूज़ करूँगा जो हर एक स्नो ट्रैक में ज़रूरी होते हैं. स्पाइक्स, जिससे ग्रिप बनी रहे, और गेटर्स, जिससे शूज़ के अंदर बर्फ ना जाए. थर्ड डे स्टार्टेड और मेरे साथ के जो 2 लोग थे, दे आर नॉट गोइंग अप. आई मीन वो उनको लग रहा है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अभी मैंने अकेले ही चलना शुरू कर दिया है. जो भी करना है मुझे अकेले ही करना है. चलो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होने वाली है, बट लेट्स सी. मैं आज ये करके आज भी नीचे जाने की कोशिश करूँगा. सी, आई थिंक दिस इज़ 60 degree इंक्लाइन. इतना तो हो गई, बहुत मुश्किल हो रहा है चढ़ना. दैट्स टू सोलो, नो फ्रेंड, नो गाइड. हाँ, या बिकॉज मैं बताना भूल गया था, गाइड की भी हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, सो वो भी नीचे है, तो अभी मैं अकेले कर रहा हूँ. सो एनीवन हु कैन नॉट हैंडल -15, -20 degrees, प्लीज़ डू नॉट कम ऑन विंटर ट्रैक, क्योंकि टेम्परेचर हार्श होता है यहाँ पे. फिर नेक्स्ट डे यू फील इल एंड देन यू हैव टू गो बैक इन द मिडल ऑफ द ट्रैक. सो इट्स बेटर यू गो ऑन समर ट्रैक्स और सम अदर ट्रैक्स जहाँ पे इतना हार्श ना हो क्लाइमेट. Sheet of snow, like behind me also, it's all sheet of snow. And in front of me as well. See. आपका ग्रुप हटता है एंड देन यू ज्वाइन अ न्यू ग्रुप, न्यू पीपल. ट्रैक्स पे यही होता है.
सो देयर इज अ काइंड ऑफ स्मॉल रिज वॉक, इसके बाद आई विल शो यू गाइस. जो वॉक थी अभी जिसमें दोनों तरफ यू नो स्लोप है और बीच में हम चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिज वॉक एंड इट्स रियली नाइस टू वॉक ऑन दिस. बट थोड़ा सा लोगों को डर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ट्रेल बना हुआ है, यू कैन जस्ट वॉक एंड इट्स नॉट दैट मच यू नो डिफिकल्ट और स्केरी. ये थे रिज वॉक. और अब राइट हैंड साइड में है मेरा क्वारी पास, और अगर लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे तो जाएंगे पांगड़ चूल्हा. लेट मी शो यू गाइस. सो वहाँ पे देखिए एक ट्रिकर्स का ग्रुप खड़ा है, उससे एक रस्सा लेफ्ट जा रहा है, दैट इज़ फॉर पांगड़ चूल्हा, एंड जो राइट जा रहा है वो क्वारी पास के लिए जा रहा है. अब जहाँ तक मैं जा सकता हूँ सिर्फ वहीं तक शूट करूँगा, उसके बाद आई विल बी बैक. नहीं किया, देखो क्विट तो मैंने नहीं किया. अब लास्ट 1 किलोमीटर बचा है, चला नहीं आ रहा. देखो उधर ऊपर दैट इज क्वारी पास, बट आई एम ट्राइंग क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे एक ही दिन में सोचा नीचे जाऊँगा. कुलारा भाई रुकने वाला आज मैं, वैसे कोई भी अगर यहाँ आता है तो वो वापस जाके खुलारा रुकता है फिर नीचे जाता है, बट आई एम ट्राइंग कि एक दिन में ही नीचे पहुँच जाऊँ. Look at the place where I'm sitting. I'm at Quarry Pass now. So summit kar liya hai maine, and you can see the beautiful view behind me. And one can experience the most beautiful visuals of Garhwal Himalayas from here. So this was Quarry Pass and done it. 3 days. Ab ek baar main niche jaunga. अच्छा ट्रैक है, बट इफ़ यू कांट यू नो टॉलरेट विंटर्स लाइक -15 degrees तो आप लोग मत आओ यहाँ पे विंटर्स में. समर्स में भी कर सकते हैं, ट्रैक उतना ही खूबसूरत दिखता है. विंटर्स में जस्ट यू गेट गुड स्नो लाइन एंड सो मेनी पीक्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. बाय.